बाबा ताज वाले कितने आशिक बैठे हैं जरा मुझे बता दे एक बार। या ताज, या ताज, बाबा ताज का दामन। जरा तब जाता हूँ खासतौर से मतलब पर बुलाया था। हम उनके कर्म के शहदाई, परवेश भाई जा रहे हो तो मेरी जान भी लेते जाओ, ये मतलब सुनकर जाइएगा। एक मिनट मतलब सुनकर, एक मिनट मतलब सुनकर जाइएगा, एक मिनट मतलब सुनकर सोइए। हाँ सर, हम उनके कर्म के शहदाई, हम ताज पिया के आशिक हैं, हम ताज पिया के आशिक हैं, दिलो जान से उन पे मरते हैं। हम ताज पिया के आशिक हैं, मस्तान शाह के आशिक हैं, हम मस्तान शाह के आशिक हैं, दिलो जान से उन पे मरते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। गुड्डू मस्तान और हमारे टीपू भाई, मैं उनसे खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। बहुत खास मुलाया मिला जाओ, टीपू भाई और हमारे गुड्डू भाई खास तौर से मिला जाओ। कोई दौलत पे मरता है, कोई शोहरत पे मरता है, कोई मस्तान शाह।
मरता के आशिक है, दिलो जान से उन पे मरते बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे टीपू भाई का और हमारे गुड्डू भाई का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यहाँ पर सब सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, अल्ताफ भाई, आजकल का दौर बड़ा नाजुक है कि कोई भी शख्स हो बेटे की कम बेटे की ज्यादा ख्वाहिश रखता है, लेकिन वो नादान ये नहीं जानता कोई भी शख्स हो बेटी की कम बेटे की ज्यादा ख्वाहिश रखता है। अगर बेटा पैदा हो जाता है तो लड्डू बंटवाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, पार्टियां होती हैं, और लड़की पैदा हो जाती है तो मायूस हो जाती है। लेकिन वो नादान ये नहीं जानते, अरे जिसके घर में पहले बेटी पैदा होती है उसके घर में हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सलाम आता है। हमारी माँ बहनें यहां पर भी बैठी हुई हैं कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जीनत वक्त में तनवीर बन के आती है। टीपू भाई, गुड्डू भाई, जीनत वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा अजीजों की तहरीर बन के आती है। और जिन्हें नफरत है बेटियों से बता दो उन्हें, आए लोगों, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। लेकिन आजकल का हमारे देश का माहौल बड़ा नाजुक है, देश के हालात बड़े नाजुक हैं। अभी आपने कलकत्ता में जो हुआ सभी वाकिफ हैं इस बात से कि कैसे एक लेडी डॉक्टर के साथ में कुछ दरिंदों ने इतना जुल्म किया, आप तमाम लोग वाकिफ हैं इस बात से। गुड्डू भाई, कलकत्ता में जो हुआ आप तमाम लोग वाकिफ हैं इस बात से। लेकिन एक चार मिसरे नजर कर रहा हूं, अगर पसंद आए, लगे वाकई में हकीकत मैंने पढ़ी है, मैंने हकीकत कहा है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए जरा तालियां बजा देना साहब। पहले शेर सुन ले, टीपू भाई सुनिएगा कि माँ की बहन की बेटी की किस्मत संवार दो। हाजी साहब, माँ की बहन की बेटी की किस्मत संवार दो, जितना भी प्यार चाहे उन्हें उतना प्यार दो, और सुनवाई हो ना केस अदालत ना पैरवी, हर एक बलात्कारी को गोली से मार दो। ताज पिया के आशिक हैं, दिलो जान से उन पे मरते हैं।
दिल बड़ा नादान है मालूम नहीं क्यों, बेवजह परेशान है मालूम नहीं क्यों, यूं तो है जमाने में हंसी से कड़ा मगर, दिल तुम ही पे कुर्बान है मालूम नहीं क्यों, हम ताज पिया के आशिक हैं, दिलो जान से उन पे मरते हैं।